वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा अनु व्लॉग्स। और कृषा के लग चुकी है चोट, तब भी ये देखो दिखा भी रही है, देखो इसके लग गई है चोट। मुझे समझ नहीं आ रहा, बैक टू बैक इसके सिर्फ चोट लग रही है, इतनी बदमाशी कर रही है। हाँ, खूब बदमाशी कर रही है और चोट लग रही है तो हमें इतना, कल भी इसके लगी थी, आज भी इसके लगी है। और जब थोड़ा सा खून निकल जा रहा है तो मतलब मन बिल्कुल अजीब सा हो जा रहा है, संभल ही नहीं रही है। इसका पैर चलने लग गया है तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। हम सोचो कितने लोग हैं घर में, और फिर क्या होता है जिसको चोट लगती है ना इसको, जब तो फिर हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। मुझे पता है बहुत गिल्टी होता है, बहुत गिल्टी फील होता है। तो अभी आज जो है गाइज, आज है शादी से पहले, सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है भगवान को याद करना। तो सबसे पहले आज शादी का प्रोग्राम है कीर्तन, और अभी आपको दूल्हे से मिलवाएंगे, सारे भाई बहन से मिलवाएंगे, पूरे परिवार से मिलवाएंगे। और अभी मैं जो पहनने जा रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, आप बताना आपको लुक कैसी लगी। और अगर आपको वो पसंद आए तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, आप भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। सो फटाफट से रेडी होंगे और उसके बाद आपको ले कर चलेंगे दूल्हे के पास। मेरा बच्चा, मेरे कपड़े, कपड़े को तभी से सहला रही है। नहीं, मैं उसको पुच्ची करती थी कि मेरे पूरे गाल पे बीटाडीन लगा दी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मालिश। ओहो ओहो, आहा मालिश कर रही है। ओए होए, शर्म आ गई। ब्रश चलाएगी एक घंटा, अब उसके बाद भी फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें नहीं पड़ेगा, हमें पड़ता है। हमारी नजरों से देखोगे तो बहुत फर्क पड़ा है। पड़ता है, हाँ देखो आईलैशेस। दोस्तों आप बताना इनकी आंखों पे कुछ फर्क पड़ा है। अभी पूरा तैयार होगी तो बताना। तुम तैयार होने के पैसे लोगे कि क्या करोगे? और ये चिंकू हो गई है रेडी। अरे थोड़ा खड़े होके तो दिखाओ। अरे साड़ी के बड़े से आप यार। सो गाइज, ये है आकांक्षा का साड़ी का प्यारा सा लुक। मुझे आकांक्षा साड़ी बहुत ही सुंदर लगती है, आपको बताना है आपको कैसी लगती है ये साड़ी। गाइज ये साड़ी बहुत ट्रेंडिंग में है, जिम्मी चू के फैब्रिक पे साड़ी है और इस पे पूरा हैंडवर्क हो रखा है। देखो आगे से दिखा दो। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूल्हे से मिलने, और फंक्शन जो है बस स्टार्ट हो ही चुका होगा। तो बस अनूप जी का भी लुक दिखा देती हूँ, कहेंगे मुझे तो दिखाती नहीं है। ये रहा मेरे पति का लुक। मैंने कहा था आप भी ब्लू शर्ट पहन लो क्योंकि शर्ट और ट्राउजर भी अच्छे लगते हैं। अरे की चूड़ियाँ। एक्चुअली गाइस, साड़ी पहनना ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की बात हो जाती है, लेकिन अनूप जी को मैं साड़ी में बहुत पसंद आती हूँ। तो बस अभी आप देखना, आपको सबसे मिलवाएंगे और खूब सारी मस्ती होने वाली है। हैं? वो तुम्हारे अंदर इतनी बदमाशी भरी हुई है, बाप रे बाप। हेलो गाइस कर दो, फिर कुछ वैसे कर दो। हेलो गाइस, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं, आपको मिलवाएंगे दूल्हे से, पूरे परिवार से। और यहाँ मंदिर में जोरों शोरों से भगवान को याद किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी काम भगवान को याद किए बिना जो है हमारे संस्कृति में शुरू नहीं होता है। तो बस आपको मिलवाएंगे सबसे, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। मैंने जो साड़ी जो है ये ग्लैम ब्यूटी बाय दीप्ति से है, इसका इंस्टाग्राम का पेज मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी, आप देख लेना। इसमें पूरे पे वर्क हो रखा है। अगर भाई की शादी है तो बेस्ट से बेस्ट कपड़े तो पहनने बनते हैं। तो आप प्लीज़ कॉमेंट करना कैसा लग रहा हो, बता देना हम दोनों कैसे लग रहे हैं, प्लीज बताना, खूब सारा प्यार दे। बहुत ही सुंदर सा मंदिर था जहाँ पे श्री कृष्ण जी का और माता रानी का सारा दरबार जो था वो बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था। यहीं मैं अंदर जा रही थी, अंदर जाते हुए अच्छा भी लग रहा था और बहुत सारे लोग अंदर ऑलरेडी बैठे हुए थे। सबसे पहले तो मैं मामा से मिली, मामा के बेटे की ही शादी है, मामा से मिली। और उसके बाद हम लोग जो है आशीर्वाद लेने दरबार के आगे गए, सभी से मिली मैं एक एक करके, वो आपको दिखाऊँगी। पर सबसे पहले तो भगवान का आशीर्वाद लेना ज़रूरी था। और जब भी हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो पता नहीं क्यों एक अलग सी खुशी भी होती है, और एक बहुत सारा ग्रैटिट्यूड थैंक यू दिल से निकलता है भगवान को हर चीज़ के लिए, स्पेशली कृषा को हमारी लाइफ में देने के लिए। और फाइनली मिली मैं अपने भाई से, इसी की शादी है और हमारा बचपन साथ गुजरा है तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसकी शादी के लिए, एक अलग ही फीलिंग है। इसके बाद मैं आपको मिलवा रही हूँ किसी बहुत स्पेशल पर्सन से, ये पहली बार मुझसे मिल रही हैं और ये मेरी सारी वीडियोस देखती हैं, मुझे पता चला। ये छोटा सा मेरा सब्सक्राइबर, छोटा सा मेरा सब्सक्राइबर, और बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आपको इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो प्यार करते हैं। तो मैंने ये कमाया है, बाकी दुनिया क्या कहती है मेरे बारे में मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ ना इन बच्चों का प्यार है और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो लव यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखना। इसका नाम है सिद्धार्थ, इसकी हो रही है शादी। इस दूल्हे की खास बात क्या है, इसने सबकी फेरे करवाए।
मेरे फेरे में देखता हूं। इसने लगभग मेरी शेरवानी इसने लगभग पूरे खानदान के फेरे करवाए हैं। अब फाइनली इसके फेरे की बारी है। इसकी हो रही है शादी, अंदर चल रहा है फंक्शन, खूब धूमधाम से भी हम लोग डांस करने वाले हैं। आपको बस क्या करना है, ब्लॉग में बने रहना है, इसको खूब सारी विशेस देनी है क्योंकि भाई है अपना। हो गया, चल रहे भाई, फोन ले लिए, क्लिक कर रही है। ये देखो फोटो अरे भाई तुम अंदर में सभी ढूंढ रहे, तुम लोग को हमें ढूंढ रहा है कोई। शादी है आज मेरे भाई की, शादी है आज मेरे भाई। ये है रियल बहने, कट कट कमाल। ये है मेरी बहने, अभी और बहने आनी बाकी है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, बुढ़ापा आ गया क्या? बुढ़ापा नहीं आ गया, बुढ़ापा तो काफी टाइम आ गया था, ऐसा थोड़ी। भाभी तो जवान है हमारी अभी, ये कैसे हो गया? तू पेट क्यों अंदर कर रहा था, वीडियो देख के बता। सुबह में मैं झूठा राधे। पीछे अपनी दोनों मामियों के साथ बैठी है। और ये थी अनूप और मेरी फुल लुक, आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। राधे राधे। और यहाँ मामी मुझे फूल से चंदन लगा रही हैं माथे पर। गाइस अगली वीडियो में खूब सारा डांस, खूब सारी मस्ती, खूब सारे इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगी, यहीं पे एंड करूंगी। अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं, मैं सबसे मिल रही हूँ, क्लिक करके भाई भाभी भी आ चुके हैं, तो इस वीडियो को इसलिए मैं यहीं करूंगी एंड। आप बताना हमारा लुक कैसा लगा, फटाफट से आप चाय नाश्ता करके आओ, अगली वीडियो फटाफट से आ रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।